कहानी का शीर्षक है बकरी दो गांव खा गई। हरिकृष्ण देवसरे प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। प्रस्तुत कहानी में लेखक भोले भाले किसान बुद्धिमान तथा उदार हृदयी बादशाह के माध्यम से बताते हैं कि उस देश की भूमि रस बरसाती है जिसका शासक निर्लोभी तथा उदार हो, अपनी प्रजा का हितेशी और पिता समान प्यार करने वाला हो। इससे विपरीत लोभी क्रूर तथा निरंकुश शासक की प्रजा कदापि खुशहाल नहीं हो सकती। यह कहानी विद्यार्थियों में सदसंस्कार उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगी। हाय, बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी लेके आता हूं। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकालकर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हो गए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या, एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर। कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों से रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा देता हूं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेके चला गया, एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उसका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे, इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है।
अकबर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहां नीयत अच्छी है वहां बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। भाई, तुम जानते हो मैं कौन हूं? अकबर ने कहा। किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूं। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हजूर? किसान ने घबरा कर पूछा। नहीं, तुमने मुझे यह बात सिखाई है, जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें दो गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान फिर से काम में लग गए। कुछ देर के बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला बादशाह उसे कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय हाय, बकरी दो गांव खा गई। बकरी द्वारा दो गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे दो गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कह कहों से गूंज उठा।